Good morning, students. In last video, I told you about notice writing format and how you can score 4 marks in notice. Now, today my topic is advertisement. विज्ञापन न्यूज़पेपर में टीवी में आप दैनिक जीवन में देखते हैं. देर आर ए लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट. इट मे बी ऑन फ्रंट पेज, इट मे बी ऑन क्लासिफाइड कॉलम, इट मे बी डिस्प्ले. देर आर लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन आवर डेली लाइफ. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट क्या है, विज्ञापन क्या है? हम अपने प्रोडक्ट को विज्ञापन के रूप में दे सकते हैं. वो प्रमोशन भी हो सकता है प्रोडक्ट का. कोई चीज गुम हुई हो उसका भी विज्ञापन दिया जा सकता है. कोई चीज किराए के लिए है तो 2 लाख में उसको किराए के कॉलम में उसको दे सकते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. फर्स्ट वन इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड वन इज डिस्प्ले और कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट. Now I am telling you about classified advertisements. The purpose of this advertisement is to express more by paying less. तो इसका उद्देश्य है कि आप कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा बात कह सकें. They are abbreviated because they are charged per word or per column in a newspaper. क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर में जब डिस्प्ले की जाती हैं या दी जाती हैं तो पर वर्ड और पर कॉलम के हिसाब से उनका चार्ज लगता है. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार की हैं? तो बहुत प्रकार की हैं. फर्स्ट वन है सिचुएशन वेकेंट. अगर कोई पोस्ट खाली है, अगर जॉब के लिए कहीं पे पोस्ट है तो उसके लिए हम सिचुएशन वेकेंट में देंगे. 2 लाख किराए के लिए कोई मकान बिल्डिंग या अपार्टमेंट खाली है. मैट्रिमोनियल वैवाहिक संबंधी शादी के लिए. सेल एंड परचेज के लिए. लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज गुम हुई है या मिली है उसके लिए हम लॉस्ट एंड फाउंड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं. एजुकेशनल और शिक्षा संबंधी. सो स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल दैट एडवर्टाइजमेंट are so easy and if you will attempt the right format of advertisement and your exams in your annual paper then you will surely get 4 marks. So I told you types of classified advertisements. Now situation vacant aur dusra point hai situation wanted. These are different. So I'll tell you difference between situation vacant and situation wanted. तो ये दो तरह के एग्जाम्पल आपको पेपर में आ सकते हैं. एक सिचुएशन वेकेंट और एक सिचुएशन वॉन्टेड. सिचुएशन वेकेंट मीन्स इट इज अ गिवन बाय अ कंपनी टू बी पब्लिश इन अ न्यूज पेपर टू रिक्रूट कैंडिडेट. ये कंपनी द्वारा एक विज्ञापन दिया जाता है जिनको कैंडिडेट्स की जरूरत है अपनी कंपनी के लिए. तो उसको रिक्रूट करने के लिए वो एक विज्ञापन देते हैं तो उसको बोलते हैं सिचुएशन वेकेंट. इट मींस कंपनी द्वारा दिया गया विज्ञापन. सेकंड है सिचुएशन वांटेड. इट इज गिवन बाय अ जॉब सीकर हिमसेल्फ. ये खुद जिसको जॉब की जरूरत है वो विज्ञापन देता है फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर अखबार में छापने के लिए. इन विच ही शोज हिज विलिंगनेस, जिसमें वो अपनी इच्छा दिखाता है टू गिव हिज सर्विसेज, कि वो अपनी सर्विस देगा. तो इंडिविजुअल रूप से जो एडवर्टीजमेंट छपवाई जाती है अपनी सर्विसेज देने के लिए दैट इज सिचुएशन वॉन्टेड. और अगर कोई कंपनी को किन्हीं कैंडिडेट्स की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है और वो अखबार में उसके लिए विज्ञापन देती है उसको बोलते हैं सिचुएशन वांटेड. नाउ हियर इज एन एग्जांपल सिचुएशन वेकेंट. तो एक स्कूल है सेंट थॉमस, उसमें टीचर की जरूरत है, इंग्लिश टीचर की.
तो उसका एग्जांपल है, ये फॉर्मेट है। सबसे ऊपर लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट कैपिटल लेटर्स में, वांटेड आ वेल क्वालिफाइड, अच्छा क्वालिफाइड चाहिए, एंड एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर, पोजेसिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, इंग्लिश टीचर है तो दैट मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर सेंट थॉमस स्कूल रोहतक। सेंट थॉमस स्कूल रोहतक में एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर की जरूरत है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज इट इज चार्जेबल इन न्यूज पेपर, कोई जय मार होज वर्क टेंसिस का यूज नहीं करेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। हैंडसम सैलरी, अच्छी सैलरी विद अकोमोडेशन और रहने की जगह भी प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज ड्रॉप योर सीवी विद इन 7 डेज, अपना जो बायोडाटा है सीवी 7 दिन के अंदर डालें, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर, तो दोनों कॉन्टेक्ट उसमें दे दिए। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, हैंडसम सैलरी, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल का मतलब क्या है, बातचीत करके भी सैलरी तय कर सकते हैं, नेगोशिएशन होगा, विचार विमर्श होगा, जैसा कैंडिडेट डिजर्व करेगा अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड कैलिबर द सैलरी विल बी प्रोवाइडेड। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिचुएशन वेकेंट एंड व्हाट इज सिचुएशन वांटेड। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पहला एग्जांपल था सिचुएशन वेकेंट, नाउ सिचुएशन वांटेड। इसमें जो कैंडिडेट है वो खुद जॉब को देख रहा है और वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने जा रहा है, तो इसमें ग्रामर है टीचर है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मींस सुरेख, अच्छे लिखने वाला, कर्सिव राइटिंग लिखने वाला, वो अपनी सेवाएं देना चाहता है। तो ऊपर लिखा सिचुएशन वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड 20 इयर्स एक्सपीरियंस इंग्लिश ग्रामर एंड कैलीग्राफी टीचर इज विलिंग टू गिव हिज सर्विसेज। वेल क्वालिफाइड है, 20 इयर्स एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश ग्रामर एंड कैलीग्राफी टीचर, इंग्लिश ग्रामर और कैलीग्राफी सुलेख, लिखावट, अच्छी लिखावट लिखाने वाला टीचर इज विलिंग टू गिव हिज सर्विसेज, अपनी सेवाएं देना चाहता है। क्वालिफाइड फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से ब्रिटिश काउंसिल से क्वालिफाइड है, सैलरी नेगोशिएबल, बातचीत से सैलरी तय कर ली जाएगी। कॉन्टैक्ट फोन नंबर लिखा है, ईमेल आईडी लिखी है। सो स्टूडेंट यू हैव लर्न अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड इन दिस वे यू कैन सिक्योर वेरी गुड मार्क्स। हैव अ नाइस डे एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम मोर थिंग्स एंड सम यूजफुल टिप्स ऑन यूर सीबीएसई एग्जाम्स। थैंक यू।